अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमने एक बहुत एक्साइटिंग इनिशिएटिव लॉन्च करने का इरादा किया है और मैंने सोचा कि आप तक जल्द से जल्द ये खबर पहुंचाई जाए ताकि आप तमाम दोस्त किसी ना किसी तरीके से हमारे साथ इस इनिशिएटिव में इन्वॉल्व हों और फायदा भी उठा सकें। रियल एस्टेट में जब से काम कर रहे हैं, वो बेशक घर हों या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, हमेशा यूनिक और वायबल आइडियाज ही लेकर आए हैं शाहनवाज एसोसिएट्स के चेयरमैन आर्किटेक्ट शाहनवाज। और इनका ये नया इनिशिएटिव जिसका नाम है नोवेल्टी लिविंग, यार वो शशके वाला लोगो चलाना। ये नोवेल्टी लिविंग एक प्रोजेक्ट का नाम नहीं बल्कि 100 प्रोजेक्ट्स का इनिशिएटिव है जिसको शाहनवाज एसोसिएट्स डेवलप करेगी और मैनेज भी करेगी। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि प्लॉट भी लेंगे, डिज़ाइन भी करेंगे, डेवलप भी करेंगे, मैनेज भी करेंगे। अब बॉस, ये सारा कुछ तो मार्केट में अलग अलग लोग करवा के देते हैं, तो कोई कस्टमर आपके पास ये सारा कुछ इकट्ठा करके ले, इसमें उनको क्या फ़ायदा है, वो क्यों करें ऐसे? इस बात का बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। एक तो आप, मेरा ख्याल है कि मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं एक आर्किटेक्ट समझते हुए कि एक आर्किटेक्ट डिज़ाइन करता है, यही आपके इमेज में है। लेकिन जब एक ऐसा आर्किटेक्ट जिसको 45 इयर्स हो गए हो प्रैक्टिस करते हुए और वो शहर की मास्टर प्लान कमेटीज़ में भी शामिल हो कि शहर के क्या ट्रेंड्स होंगे, शहर किधर को मूव करेगा, लेकिन जब हम बात करते हैं सिलेक्शन की तो हम देखते हैं कि शहर की मेजर ट्रेंड्स क्या हैं, शहर ने जाना किस तरफ को है, सिटी ने जो मास्टर प्लानिंग अपनी की हुई है उसकी क्या डायरेक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, छोटी सी मिसाल देता हूँ, गटवाला कमर्शियल अब आपने किया, मेरे मास्टर प्लान की ऊपर बड़ी एक ज़बरदस्त वीडियो थी है। मैं पिछले 2009 से डिविजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी जो मास्टर प्लान बनाया है जिसने फैसलाबाद का, उसका मेम्बर हूँ 2009 से, तो यानी ये देख लें कि 14 साल हो गए मुझे। और शहर की डायरेक्शन किस तरफ जानी चाहिए, क्यों जानी चाहिए, इसको देखते हुए सुनते हुए। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल, हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद में, जो बिल्कुल एयरपोर्ट के पास है, मोटरवे की जो एग्जिट है, टोल प्लाजा है, वहाँ से बिल्कुल यदि एक मिनट एयरपोर्ट से, एक टोल प्लाजा से। अब हमने ये पहले से सोचा कि हम ये उन लोगों को फैसिलिटेट करेंगे जो पूरे पाकिस्तान से इस्लामाबाद जाते हैं, उनको एक स्टे के लिए जगह चाहिए, उनको एक कॉर्पोरेट गेस्ट हाउस चाहिए, या कोई बंदा वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है तो वो एक बेड एंड ब्रेकफास्ट वहाँ ऑपरेट कर सके। और बेड एंड ब्रेकफास्ट को आइडियली ये लोकेशन चाहिए होती है कि वो मोटरवे की एग्जिट पर हो, जैसे ही आप शहर में इस्लामाबाद में एंटर हो, उसने टॉल पे किया और साथ ही अपने घर में आ गया। सेम इज़ फ्रॉम द एयरपोर्ट कि वहाँ से सीधा लैंड किया, साथ ही वहीं से जो हमारा बी एंड बी का रेंट ए कार है वो वहाँ से उसको पिक करके उसके घर पर ले आई। सो दिस इज़ हाउ, जब हमने ये सोचा कि हमने एक वाइबल सोल्यूशन बनाना है ऐसे लोगों के लिए जो दूसरे शहरों से उस शहर में आते हैं, और लेकिन उनकी कनेक्टिविटी इस तरह की होनी चाहिए, तो फिर हमने देखना शुरू किया कि उसके मुताबिक कौन सा टाउन सूट करता है उसके लिए। और जब इस क्राइटेरिया को चेक किया तो हमें लगा कि टॉप सिटी इज इन द प्रायोरिटी, इट्स नेक्स्ट टू द इंटरचेंज, 1 मिनट फ्रॉम एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विच मीन्स कि ये एक आइडियल लोकेशन होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका हर लिहाज से कम्प्लीट। आप यकीन करें, ये जो, जैसे मैं छोटी सी फिर एग्जांपल देता हूँ कि ये 2004 से ये टॉप सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, बड़े इसके ख़राब हालात आए, बड़े मतलब टफ टाइम्स देखे, आज 2022 में अब वो कहीं जाके कंप्लीट हुआ है। अब आपने घर बनाना है, फैसिलिटीज़ कंप्लीट नहीं है, हमने आज क्यों चूज किया है कि आज सारा कुछ वाम कंप्लीट है, अंडरग्राउंड वायरिंग मौजूद है, ज़बरदस्त रोड्स हैं, कनेक्टिविटी कमाल की है, डिस्टेंसेज ज़्यादा नहीं है। सो दिस इज़ हाउ वी चूज़ दी प्लॉट। हम डायरेक्शन जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू किधर को जाएगी, क्योंकि ये एक फैमिली की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। फैसलाबाद में अब जैसे हमने गटवाला कमर्शियल अप किया, और जब हमने स्टार्ट किया तो उस वक्त किसी को नहीं पता था, हमने एजुकेट किया, बताया कि मास्टर प्लान में ये ज़रा जोनिंग देखें और देखें कि शहर जाना किस तरफ को है, और फेडमिक की डेवलपमेंट, खुड़े वाला इंडस्ट्रियल स्टेट, ये वो सारी जगहों, उसके बाद सबकी आंखें खुल गई, सबको समझ आना शुरू हो गया, यार ये तो वाकई इस तरफ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और जब ये बात समझ आ गई तो विच मीन्स के असल में बात कोई ज़बरदस्ती नहीं समझाई, हमने साइंटिफिक तरीके से उसकी साइट की सिलेक्शन को बताया कि हमारा क्या प्रोसीजर था इसको चूज करने का, हमने रियल एस्टेट वैल्यूज को फोरकास्ट किया बाकायदा, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमने 5,000 से ज़्यादा क्लाइंट्स हमारे इस वक्त इंडल्स हैं और वो बाइंग कर चुके हैं, एंड दे आर एंजॉयिंग द एप्रिसिएशन। कि हमने उनको ये कहा था कि जी 3 से 4 साल में आपकी इसकी 3-fold 2-fold एप्रिसिएशन होगी,
और अल्लाह मियां का शुक्र है, उसकी बहुत मेहरबानी है कि ये जो फोरकास्ट थी लोगों ने अब देखी है कि विद इन 3 ईयर्स डबल तो हम लोगों को दे रहे हैं कि यार जिसने भी वापस करना है हमें वापस कर दें शॉप, और डबल प्रॉफिट के ऊपर, यानी 100% प्रॉफिट के ऊपर ही कैन गिव अस बैक, और मार्केट में वो 3 गुना के ऊपर बिक रहा है। क्यों? द राइट लोकेशन, द राइट सिलेक्शन ऑफ द लोकेशन। तो नॉवेल्टी लिविंग की जो हमने सवाल किया कि जी सब कुछ नॉवेल्टी लिविंग के अंदर आपको सर्विस मिलेगी, ये वो पहली सर्विस है लैंड एक्विजिशन जिसको हम कहते हैं, और इनका 45 इयर्स के एक्सपीरियंस में बहुत सारे और एक्सपीरियंसेस हुए हैं, और समझ लें कि ये प्लानिंग एक्सपीरियंस गुड एंड बैड और ड्यू डिलीजेंस जो सबसे, ये लैंड का मामला समझना, प्रॉब्लम समझना, अग्रीमेंट सही जगह पे करना। देखना मैं यहाँ एक और जवाब देता हूँ आपको, आपको लगता है कि यार ये एक बंदा कैसे कर सकता है सारे काम। अब मैं एक बंदा नहीं हूँ, आई एम एन ऑर्गेनाइजेशन, अब मैं एक कंपनी हूँ, मेरे साथ 150 से ज़्यादा लोग मेरे साथ थे, इंजीनियर्स इन्वॉल्व हैं, टाउन प्लानर्स इन्वॉल्व हैं, 1000 से ज़्यादा प्रॉपर्टी डीलर इन्वॉल्व है हमारे साथ। अब नाउ वी आर, वी हमें हमारा बर्ड आई व्यू इतना स्ट्रांग है, अब मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं सीखा, लेकिन सारे काम ऑब्वियसली मैं नहीं कर सकता। नाउ वी हैव कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स, इंजीनियर्स की टीम है हमारी, हमारा मतलब अब नाउ वी आर ए कंपनी जिसके ये सारे सेगमेंट्स, आपको पता है कंपनी का एक रोल होता है, उसके डिपार्टमेंट्स होते हैं, आज वो डिपार्टमेंट्स मुझे स्ट्रेंथन कर रहे हैं, एंड आई एम जस्ट लीडिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन, और उनसे सबके अपने अपने जुम्मे काम हैं, और उनको चेक करने का मेरा काम है सिर्फ, चाहे मैं 1 घंटे के लिए ऑफिस आऊँ, बट आई नो कि किसने ठीक किया किसने नहीं ठीक किया अपना काम, क्वालिटी कंट्रोल कौन ठीक कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कौन मैनेज कर रहा है, मटेरियल कौन बाय कर रहा है। वी हैव अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टीम, ये आप हमारा जस्ट यहाँ पर ऑफिस स्टाफ ही देख लें, हमारा इंजीनियरिंग का स्टाफ देख लें, दे आर मोर देन 20 पीपल जो सिर्फ सुपरविजन पर है, दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्टर्स इंजीनियर्स। अब कस्टमर्स या जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं नॉवेल्टी लिविंग के अंदर एग्जैक्टली व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट हमारे से, हमारी कंपनी से, शाहनवाज एसोसिएट से, व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट? यू सी, जब देखें, जब मैंने एक विजनरी बात कही आपको प्लॉट से लेके उसकी कंप्लीशन तक के हमारे कितने प्रोफेशनल्स हैं हम सब इकट्ठे हुए, अब ये एक ऐसी रेयर अपॉर्चुनिटी है जो मुझे आप कहीं से ढूंढ के दिखा दें कि एक प्लेटफॉर्म पर हर प्रोफेशनल मौजूद हो और आपका छोटा सा प्रोजेक्ट है। मैं, अल्लाह माफ़ करे, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, जब एक आर्किटेक्ट एस्टेब्लिश हो जाता है तो ये छोटे छोटे काम वो लेता ही नहीं है, वो आपको टाइम ही नहीं देता डिज़ाइन करने का, बिकॉज उसको तो बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं। लेकिन आज मैं अगर 45 साल के बाद छोटे प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने ये 400 प्रोजेक्ट एक टाइम में करना है, मेरे लिए अब छोटा नहीं है, इट्स नॉट अ वन हाउस, अब ये सॉल्यूशंस हैं, मोर देन 400 होम्स एवरी ईयर वी विल डिलीवर इंशाल्लाह। तो ये सारी जो है कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज, अब ये एक नॉवेल्टी लिविंग का हम लोग ब्रांड बनाने जा रहे हैं। जो सवाल था कि ये सारा कुछ हम डिजाइन से पहले भी लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, इंटीरियर, पोस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और ये तमाम सर्विसेज जिसको हम अपने लैंग्वेज में प्रोजेक्ट कहते हैं, ये कैसे कंसेप्चुलाइजेशन से लेके एग्जीक्यूशन तक और उसके बाद भी उसमें से जो इनकम मॉडल्स बनेंगे उसकी मैनेजमेंट भी और उसकी असिस्टेंस में भी आपको असिस्ट करना कैसे पॉसिबल होगा। यू हर्ड इट फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ, आर्किटेक्ट शाहनवाज। सारे इनिशिएटिव में अपॉर्चुनिटी क्या क्या है और इसको अपॉर्चुनिटाइज कैसे करना है, आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो noveltylisting.com, ये हमारी वेबसाइट है, इस पर जरूर जाएं और देखें कि हमने आज की डेट में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लिस्ट किए हुए हैं, और इसी वेबसाइट के ऊपर हमारे आने वाली लिस्टिंग्स भी सबसे पहले इधर आएंगी। तो ऑब्वियसली जब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो जितना पहले जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करें उतना ज्यादा आप बेनिफिट बना सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किए बगैर बेनिफिट लेना है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन या इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनना है तो हमें टैलेंटेड, क्रिएटिव, अग्रेसिव, एम्बिशियस लोगों की जरूरत है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ है जो आपके अंदर है तो जरूर अप्लाई करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, careers@snapl.pk। इसकी एग्जैक्ट जो ईमेल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिखी हुई है, आप उस पर अपना सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजें, अगर CV है तो और भी अच्छा हो जाएगा, एक्सपीरियंस है तो वो तो और भी अच्छा हो जाएगा, सारे अप्लाई कर सकते हैं, हमारा HR का डिपार्टमेंट है वो रिव्यू करेगा और आपको रिस्पॉन्ड करेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा ये भाई का इतनी सारा भाई आपकी बातें करता है, ये YouTube चैनल है मेरा, इसके ऊपर हम प्लेलिस्ट भी एक बना रहे हैं नॉवेल्टी लिस्टिंग के नाम से,
उसके ऊपर मैं हर प्रोजेक्ट, हर लिस्टिंग जो नहीं आएगी वो आपके सामने लाऊंगा, उसके प्रोज कोई कौन से नहीं होते हमारे प्रोजेक्ट में, सिर्फ प्रोज ही बताऊंगा आपको, मैं वो दिखाऊंगा आपको, सारी उसकी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स बताऊंगा। तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वो एक नीचे बेल आइकॉन होता है, अच्छा मैं हर बंदे की वीडियो में देखता हूँ, कहते हैं कि जी इसको मारे घंटी ज़रा नोटिफाई होता है, तो होता है, काम करता है यूट्यूब पर ये वाला फीचर। तो अगर आपको इस सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी देखनी है इसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा, वो भी आपको नोटिफाई हो जाएगा आपकी फीड के ऊपर। मेरा बेचारा वो मासूम सा इंस्टाग्राम चैनल भी है @energetic, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं। सब्सक्राइब करें, आपकी यही सपोर्ट बहुत हेल्प आउट करेगी। तो आइए मिलके कुछ मज़े के काम करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं पाकिस्तान में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।